नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धुराधर अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अब मिलेंगे 2 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए। तो ये 2-2 हजार रुपए कौन से 2 महीनों में दिए जाएंगे और किनको दिए जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारे चैनल द्वारा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख दें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी 2 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून जुलाई माह के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो जून जुलाई माह के लिए जो है 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हैरान किया है और इसके लिए चिकित्सा सेवाएं तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और इस संक्रमण को रोकने में प्रदेश की आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंजा लक्षण वाले लोगों को पता लगाने के साथ साथ लोगों को क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अन्य मुख्यमंत्रियों को भी हिमाचल का अनुसरण करने और अपने संबंधित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मरीजों की पहचान करने के लिए ये अभियान शुरू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने लोगों को सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए फेस मास्क का उपयोग करने के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी अभी की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही टाइम टू टाइम लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट हमारे चैनल द्वारा मिल सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस अपडेट के बारे में पता लग सके और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता लग सके कि हिमाचल प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को जो है 2-2 हजार रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे जून जुलाई माह के लिए। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।